नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। ऊर्जा का संरक्षण जरूरी है और लोगों को इसके लिए प्रयास करने होंगे। अपने घरों में ही बिजली की बचत के लिए प्रयास करने होंगे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आज ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद झंडा दिखाकर कई वाहन को रवाना किया, जो शहर गांव में ऊर्जा बचाव के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं मंत्री ने प्रीपेड मीटर को लेकर हो रही समस्या पर कहा कि 3 लाख से अधिक का प्रीपेड मीटर लग चुका है, कुछ समस्या है, अधिकारी उसे देख रहे हैं। हरी झंडी कुछ देर में दिखाने वाले हैं। तो आज का दिन हम सबको संकल्पित होने का दिन है। हम सब संकल्पित माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी रवाना करेंगे। ब्रेडा की ओर से, ब्रेडा ऊर्जा विभाग की ओर से कार्यान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है तथा ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जागरूकता हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण जागरूकता रथ द्वारा पटना के विभिन्न स्थानों के लिए ऑडियो वीडियो माध्यम से संदेश चारों ओर फैलाया जाएगा। पंपलेट के माध्यम से स्लोगन लगा करके आप देख रहे हैं और फेस मास्क का भी इस विशेष अवसर पर वितरण किया जाएगा ताकि लोग इसको सर क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, अभी हमने जो कहा कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी, आज का दिन ऊर्जा के बचत, आवश्यकता अनुरूप ऊर्जा का प्रयोग हो और दुरुपयोग रोका जाए। जैसे हम सो जाते हैं, लैट्रिन का बल्ब जलता रहता है, स्लीपिंग रूम का जलता रहता है, खाना बना के 9-10 बजे खा लेते हैं लेकिन खाने के रूम में बिजली भरना जलती रहती है। ये सब जो दुरुपयोग है, छोटी छोटी बातें, एलईडी बल्ब का प्रयोग करना, तो ये आवश्यक चीज़ है कि हम कंजर्व करें, नहीं तो आगे आने वाले वक्त में बड़ी भारी खतरा होने वाला है कि ऊर्जा की खपत घट मेकअप नहीं हो पाएगी। कमी देखने को मिलेगी आने वाले समय में बाकी राज्यों की तुलना में पर यूनिट बिजली थोड़ी महंगी है। उसके लिए तो रेगुलेटरी कमीशन हमारे खर्चे को पूरा आकलन करके उसके जो मापदंड है, उसके जो पैरामीटर, उसके आधार पर वो रेट तय करती है। सरकार उसके लिए कंज्यूमर्स को सहायता के लिए सब्सिडी देती ही है। बिहार में तो हजारों करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में जाता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन रेट तय करना रेगुलेटरी कमीशन का है। अकॉर्डिंग टू दी लॉ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो प्रोविजन, नॉन कमर्शियल बिजली में भी देखा गया था, कई स्टेट में 200 यूनिट तक सरकार बिजली फ्री देती है, बिहार में इस तरह का प्रश्न। बहुत सारी उसकी उसका घाटा कितना है, घाटे में कोई चीज़ बहुत दिन नहीं चल सकता। लॉस का बिहार में कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बिजली की कंपनी को चलाने का काम प्रयास करते हैं। सर प्रीपेड, जबकि बीजेपी को नहीं देता, कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ हम दे रहे हैं। कोई नहीं कह रहे हैं, ये मांग बहुत पहले से हम लोगों की है। और नीति आयोग ने जब कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है तो पिछड़े राज्य को तो मिलना ही चाहिए विशेष दर्जा, पिछड़े राज्य को ही तो विशेष दर्जा की मांग होती रही है। जब हम समृद्ध राज्य हो जाएंगे तो काहे के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग करेंगे? जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कृषि आधारित उद्योग धंधे आएंगे यहाँ, और तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, राज्य भी समृद्धि की ओर बढ़ेगा। 9 पेज की रिपोर्ट में सर आपने क्या कुछ मांग की है? सर 9 पेज की जो आपने रिपोर्ट सौंपी है क्या कुछ? इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।